इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं, और आपने जो यानी जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? तो नहीं नहीं, तो मुझे क्यों नहीं नहीं मुझे मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की से आप देश के आप एक मिनट देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, मैं लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दिया। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूँ तो इसीलिए आइदर सर यू एक्सप्रेस द रिग्रेट आर यू टेल मी दैट यू हैव नो पावर प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसको देखकर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। नंबर एक, जहां तक मुझे स्मरण है 267 की नोटिस माननीय एलओपी की थी, मैंने नोटिस पढ़ने की इजाजत दी, लगभग पूरी नोटिस माननीय एलओपी ने पढ़ी, लगभग पूरी नोटिस एलओपी ने पढ़ी। जो नोटिस नहीं प्लीज जो नोटिस बहस के लिए स्वीकृत नहीं थी, नियमतः आप इसका ध्यान रखें। प्लीज 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 मैं रिकॉर्ड चेक कर मैंने कहा मैं आपको पुनः बताऊंगा, लेकिन आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए माननीय चेयरमैन ने जो भी भावना आप जैसे वरिष्ठ लोग और माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यक्त की है और लीडर ऑफ द हाउस के लिए व्यक्त की है, उनका पूरा सम्मान रखते हुए मैं हमेशा मौका देता हूं, पर आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जो नोटिस स्वीकृत नहीं थी उस पर भी मैंने बोलने को आपको इजाजत दी, आपको रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। दूसरी चीज प्लीज प्लीज दूसरी चीज, अब आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं प्लीज। दूसरी चीज, जहां पर जो नोटिस जिस दिन थी माननीय रक्षा मंत्री ने बयान दिया, माननीय रक्षा मंत्री के बयान के बाद स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा हुई, मैंने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण पर इस सदन की पहले की क्या स्थिति रही है, किन मुद्दों पर सदन ने क्या अपनी राय रखी है, वो मैंने कोट करके बताया आपको कि ऐसे मुद्दों पर पहले कब बहस नहीं हुई है, चूंकि अत्यंत संवेदनशील देश का मुद्दा है, मैंने स्थिति स्पष्ट की। इसलिए आपके प्रति पूरा आदर रखते हुए जो मुद्दे आपने उठाए हैं मैं उसको लौटकर और स्पष्ट करूंगा डेट वाइज, लेकिन आप जब भी खड़े हुए हैं चेयर ने मौका दिया आपके प्रति वो पूरा सम्मान रखते हुए प्लीज, ये आपकी निजी धारणा थी। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, ऑनरेबल मेंबर्स आई हैव रिसीव्ड 8 नोटिसेज अंडर रूल 267, कुछ और रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है बात, अब आगे प्रोसीडिंग चलने दें। ऑनरेबल मेंबर्स आई हैव रिसीव्ड 8 नोटिसेज अंडर रूल 267 फ्रॉम श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्रीमती जेबी माथेर, श्री सैयद नासिर हुसैन, श्री राघव चड्ढा। प्लीज प्लीज बैठ जा, मैं आई एम कमिंग, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आई एम रीडिंग इट नाउ, नो प्लीज प्लीज। श्री प्रमोद तिवारी, डॉक्टर एल हनुमंतैया, श्रीमती रंजीत रंजन एंड श्री कुमार केतकर ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कंसर्न ओवर करंट सिचुएशन ऑन LAC, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट्स एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। यस्टरडे ओनली आई हैड गिवन माय रूलिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, इफ यू वांट आई कैन रिट्रीट इट। ऑनरेबल चेयरमैन, ऑन 8 दिसंबर 2022, while considering the notices received under Rule 267, observed that the notice submitted under the said rule has to refer to relevant rules that is required to be suspended. As per practice, the ruling which is given last by the chairman is final and binding. Just I will read what is the ruling. Honorable members, notices have been received under Rule 267. This is chairman's ruling. I have carefully gone through rule. I have gone through all the notices. I would invite attention of this house to the rule as such. The rule is carefully worded. The rule requires certain things to be vindicated and duly spelled out. The rule does say
इट कैन बी रेज्ड विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन एंड दैट पार्ट इज कंप्लाइड विथ फॉर द रीजन इट हैज बीन पुट टू मी एंड इट सेज एनी रूल मे बी सस्पेंडेड इन नॉट ए प्लीज प्लीज आप प्लीज इन नॉट अ सिंगल नोटिस देयर इज अ रिफ्लेक्शन एज टू विच रूल इज सॉट टू बी सस्पेंडेड Now this rule has to emit a signal everyone and other theatres. We must engage at least in minimum compliance. I must get assistance as to which rule the member wants to be suspended. Number two, the premise, I am coming to that, please. Number two, the premise on which the rule is required to be suspended by the member. Further, honourable members, a rule which you have generated the proviso says, provided further that this rule shall not apply. This is mandate to me from you where a specific provision already exists for suspension of a rule under a particular chapter of the rules. I would therefore call upon you that while inviting my attention to act in a particular manner as you deem expedient under Rule 267, please engage into full compliance with respect to the first part and also give exhaustively according to your own perception that there is no other rule where the issue can be raised by seeking separate suspension. I am coming to that. I am coming on Raghav Chaddha, your notice. Accept the notice of Sri Raghav Chaddha. Accept the notice of Sri Raghav Chaddha. All the other notices received today for under 267, none of the other notices have referred about the rules which are required to be suspended. Further, even if this technical requirement of mentioning the relevant rule is fulfilled, the consent of Honorable Chairman is required for raising the issue in the House. Even Rule 29, which has been mentioned by Sri Raghav Chaddha, requires the permission of Honorable Chairman for suspension. Further, these notices are under the consideration of Honorable Chairman. Therefore, I would request Honorable Members to kindly cooperate and allow the House to proceed with the listed business. Now, no other business. Now, due our Sri Muhammad Nadimul Haq. Honorable Muhammad Nadimul Haq. No. Sir. No. I would like no to draw discussion on 267. Your attention no. Regarding... Please. 267. Sir, yes. I would like to draw your attention regarding unethical practices of digital lending apps. Sir, they are inflicting financial harm to the economically weaker borrowers of the country. Please, sir, there are a good number of complaints have been received against banks and NBFCs relating to digital lending applications, sir. As per an answer given in the Lok Sabha, there is so much chaos, sir. The house is not in order. Yes. Sir, I want to raise a very important issue, sir. Sri Mithilesh. Sir, I want to raise a very... Please speak. Sir. Please speak. Sir, the important... Sir, the important issue is that there is no implementation of plastic waste management. Sir, I want to issue, but sir, kindly put the house in order, sir. Sir, this is not the way, not your fault. Sir, the whole world is watching, sir. Sri Mithilesh Kumar. Sri Mithilesh Kumar. Mananiya Mithilesh Kumar. Please demand to connect Shahjahanpur at NH24 with Agra Expressway. Please. आप हमारे सदस्य इधर के मेंबर जब कोई भी सवाल उठाते हैं या चर्चा के लिए डिमांड करते हैं तो आप सारा सकट उसको नकारते हैं। इससे क्या होता है कि उस साइड की बात चले जाती है और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से, मैं बताता हूं। 266 में रेसिडरी पावर्स, ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल्स एंड ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द डिटेल्ड वर्किंग ऑफ दीज रूल्स शैल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एज द चेयरमैन मे
from time to time direct. Right. Means you can direct. Please, please, you can please, suspend the rules. Please, please. You please. Can allow us. This is very important. Please, please, please take sir, please the take Chinese incursion. Please take your seat. Ye important now. Please take your seat. Aap bheje. Aap see how how they are. No, sir, bahas ki ijazat nahi de raha. Nahi, please. Sir, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एलिगेशंस अगेंस्ट चेयर. आप रूल्स आप प्लीज नो 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 प्लीज माननीय वालों पे प्लीज 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 प्लीज. माननीय एलओपी को मैंने सुबह मौका दिया, पुनः माननीय एलओपी खड़े हुए रूल कोट करने के लिए मैंने मौका दिया. अब माननीय सदस्यगण मुझे आप ये बताएं, जिस रूल का उन्होंने उल्लेख किया उस रूल में कहा जा रहा है कि ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल्स एंड इन ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द डिटेल वर्किंग ऑफ दीज रूल्स शैल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एज द चेयरमैन मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट. मैं चेयरमैन का जो डायरेक्शन है उसी के तहत आपको स्पष्ट किया, 267 में नोटिस नहीं है. तो जो रूल्स के तहत जो बिजनेस आज का है मैं उसी के तहत जाऊंगा. कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को चेंज करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया है. मैं उस प्रक्रिया में अपेक्षा करता हूं कि आप उस प्रक्रिया का पालन करें, आप नोटिसेस दें उस प्रक्रिया के तहत, उस रूल्स के तहत, और उस पर बहस की मांग करें. प्लीज प्लीज बाबू राम निषाद जी, माननीय बाबू राम निषाद, प्लीज.